हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है लखनऊ रुचि ब्यूटी चैनल। फ्रेंड्स, आज रक्षाबंधन की शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए भी एक छोटा सा व्लॉग बना दिया जाए और आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरह की मार्केट में राखियां आई हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है राखियों का। तो मैंने सोचा कि व्लॉग बना दिया जाए, इससे अच्छा कोई बात नहीं है। तो चलिए मेरे साथ शॉपिंग करने रक्षाबंधन की, और हम रास्ते में हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से राखियों की शॉप शुरू हो गई है, मगर मुझे अभी आगे जाना है। अभी तो अब हम शॉप पे पहुंच गए हैं। यहाँ से सभी राखी की शॉपें लगी हैं। ये लखनऊ की राजाजीपुरम मार्केट है, ई ब्लॉक में है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी राखियाँ लगी थी, तो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ये भाभी वाली राखियाँ हैं जो भाभी को बांधी जाती हैं। मैंने इनसे कई तरह की राखियाँ देखी, मगर मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैंने इनसे भाई और भाभी वाली राखी मांगी, तो इन्होंने इस तरह की राखी मुझे दिखाई। तो मुझे ये राखी बिल्कुल नहीं समझ में आ रही थी। मुझे लेटेस्ट और न्यू ट्रेंड वाली चाहिए थी जो अच्छी लगे। ये तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, जो बात थी। तो अब मैं दूसरी शॉप पे पहुंची हूँ। यहाँ पर भाभी के लिए लट्टू बहुत अच्छे अच्छे थे, इस तरह के आप देख रहे हो। मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। इस तरह की राखियाँ भी थी और यहाँ पर बहुत अच्छी थी, मगर इस शॉप पे भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई। तो मैं आगे जाने की सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आगे की शॉप पे देखा जाए। तो मैं यहाँ पर आई, तो यहाँ पर भी कई तरह की राखी थी। मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर भी कई तरह की वैरायटी थी और कई तरह के प्राइस में। इतने इस तरह की राखी उठाई तो मुझे ये अच्छी लग रही थी, गोल्डन और ब्राउन में, और ये मैरून कलर की भी अच्छी लग रही थी, और ये ग्रीन और वाइट पर्ल्स में भी अच्छी लग रही थी। वैसे भी मैं अपने भाई को कोई भी राखी बांध दूँ, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो कभी नहीं बोलते कि ये अच्छी है कि बुरी है, मगर मैं अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि उनको पसंद आए राखी। फिर मैं इन आंटी के यहाँ पहुँची, तो मैंने इनके यहाँ राखी देखना शुरू किया। मैंने इनसे भाभी की राखी मांगी, तो इन्होंने ऐसे धागे दिखाए, कहा कि ये भाभी को बांध सकते हैं, मगर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए इस तरह के धागे भाभी को बांधने वाले। जिस तरह से चेहरे थी बिल्कुल नहीं मिल रहा था। मैं बहुत देर से देख रही थी, और इनकी दुकान पे बहुत ही मतलब कि जिस हिसाब से राखी थी उस हिसाब से प्राइस इनके दुकान पे बिल्कुल नहीं सही था। तो मैं इनकी दुकान पर कई तरह की मैंने धागे देखे, मगर मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आए। मुझे एक भी राखी इनकी दुकान पर तो बिल्कुल नहीं समझ में आई और अच्छी बिल्कुल नहीं लग रही थी। इनकी दुकान से आपको दिखाने के लिए कई ऐसी राखियाँ को वीडियो में निकाला है, ताकि आपको अच्छी तरह से ये राखियाँ दिख सके कि क्या है। इस राखी का इन्होंने 50 रुपीज़ प्राइस बताया था, पर धागा 50 रुपीज़ का है। थोड़ी आगे वाली शॉप पर जाने की सोच रही थी, कि मुझे इनकी दुकान पे बिल्कुल नहीं समझ में आ रही थी कौन सी राखी अच्छी है। तो मैं दूसरी शॉप पे गई, तो यहाँ पर भाभी के जो हाथ में बांधा जाता है भाभी को राखियाँ, वहाँ पर इस तरह की वैरायटी थी। तो मुझे ये भी नहीं समझ में आई। आप लोग सोच रहे होंगे इनको कोई राखी नहीं समझ में आ रही है, मगर तो फाइनली मुझे अपने पसंद की राखियाँ मिल गई। तो मैंने ये धागे निकलवाए हैं, इस तरह से रेड हैं, ब्लू हैं, अलग अलग बीड्स के अलग अलग डिज़ाइन के धागे थे, तो मुझे बहुत पसंद आए। आजकल धागे बहुत अच्छे लगते हैं, और इसकी डोरियाँ बड़ी होती हैं तो भाइयों को आराम से आ जाती हैं, तो इसलिए मैंने ये सब बड़े बड़े धागे देखकर निकलवाए हैं, ताकि उनकी कलाई में आराम से आ जाए। फिर मैंने आगे बढ़कर भाभी के लिए ढूँढा, तो मुझे ये भाभी के लिए इस तरह से जो आजकल कड़े चले हुए हैं राखी स्टाइल में, तो ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। नीचे बेल्स लगी हुई थी, तो मुझे न्यू लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को आज इस बार लिया जाए। तो इस तरह से मैंने कई तरह के देखे, और ये एक गोल्डन कलर का भी था, इसमें फ्लावर लगा था, गोल्डन कलर की बीड्स लगी हुई थी, तो ये भी मुझे अच्छा ही लगा था,
मगर मुझे ब्लू वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जो बात है। फिर इन्होंने कई तरह की मुझे चीज़ें दिखाई, इसी में एक ये इस तरह का दिखाया, तो मैंने हाथ में पहन के आपको दिखाया है। इस तरह से इसका लुक आएगा जब आप भाभी को अपनी डाल पहनाएंगे, तो इस तरह से आएगा। बहुत प्यारा लग रहा था, नीचे छोटी छोटी बेल्स टाइप की लगी हुई थी, और एक ये कड़े का भी लुक आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना दिखाया जाए। आजकल ट्रेंड में यह भी चला हुआ है। और ये वाइट और गोल्डन बीड्स में थे, तो ये भी अच्छे लग रहे थे पर्ल्स में। तो मुझे तो बस ब्लू, मेरी नज़र में बिल्कुल ब्लू ही एकदम चढ़ गया था, तो मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और इसी में का कई भी कलर थे, तो मैंने भैया से उनसे मांगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अभी दिखाता हूँ। तो उन्होंने वो उसको फंस गया था आपस में, तो मैं वो निकाल रहे थे, तो उन्होंने दिखाया मुझे, कई तरह की राखियाँ दिखाई, मुझे बहुत पसंद आई उनकी इनकी शॉप पे। तो मुझे ये देखिए इसी तरह से बीड्स हैं, और ये दुपट्टे में भी नहीं फंसेंगी आपके, बहुत स्मूथ थी एकदम आराम से, मुझे अच्छी लगी। इसमें के कई कलर थे, रेड ब्लू ग्रीन, कई तरह के कलर थे। तो ये एकदम सॉफ्ट थे बीड्स की, आपको हाथ हाथ में भी नहीं चुभेंगे, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने इसको ज़रूर लेने की सोची। तो मैंने फाइनल ब्लू वाली कर ली है, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो इसको मैंने फाइनल कर लिया है। तो मैंने भाभी के लिए भी राखी ले ली है, तो अब हम लोग घर चलते हैं। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं वापस। फ्रेंड्स, हमने अलग से इसमें वॉइस दी है, वहाँ पर इतना शोर हो रहा था कि आपको कुछ भी ना समझ में आता। ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।